आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है केमिस्ट्री का। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, दो अंकीय महापुरुष लगातार बताते जा रहा हूँ। तो उसी सीरीज में ये पार्ट 3 होगा, लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्या दो अंकीय महापुरुष क्या है उत्तर के साथ देखने वाले होंगे। इसके बाद मैं आपको 3 अंकी फिर 4 अंकी आपको बताऊंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ अपन चलते ही जा रहे हैं, तो आप क्या है वस्तुनिष्ठ भी देखते जाइएगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है आप क्रम से वीडियो देखकर अपनी तैयारी करते जाइएगा। ओके, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत क्या है खुद चलकर नहीं आती। मतलब मंजिल को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, मंजिल आपके पास स्वयं नहीं आएगी। यानी आपने क्या है इस बोर्ड एग्जाम में जो भी परसेंटेज आपका निर्धारित की है उसे प्राप्त करना है तो लगातार आपको क्या है मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यूरोटिप्रिन पर सह संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यूरोटिप्रिन क्या होता है? ओके, ये आपको पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊं 2016 की बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक और आपके सिलेबस में है। ओके, तो यूरोटिप्रिन क्या है? अमोनिया के साथ आपके ये भी एक अभिक्रिया की टाइप के लीजिए, अभिक्रिया ये एक प्रकार से। ओके, तो यूरोटिप्रिन भी एक आपके अभिक्रिया, जैसे आपके 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 सैंडमेयर अभिक्रिया हो जाती है आपके। ओके, आपका मास्टर रॉयल अभिक्रिया, इस प्रकार से अभिक्रिया है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये सब आपकी अभिक्रिया है, उसी प्रकार से यूरोटिप्रिन भी समझ लीजिए अभिक्रिया। ओके, इसमें क्या होता है अमोनिया के साथ जब हम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड की विशेष प्रकार से क्रिया कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। ओके, इसे हमें क्या है यूरोटिप्रिन कहते हैं। सीधा सिंपल है, क्या है यूरोटिप्रिन अगर हमें प्राप्त करना है तो अमोनिया की क्रिया हमें किससे करानी है फॉर्मेल्डिहाइड से करानी है। अमोनिया की क्रिया जब हम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, विशेष प्रकार की क्रिया कराते हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये प्राप्त होता है। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में यूरोटिप्रिन कहते हो, आसान भाषा में क्या है यूरोटिप्रिन कहते हो, ये आपका हो जाता है। अब इसे आपको फॉर्मूला के लिखिए, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है सूत्र HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, और फिर हमारा क्या है अमोनिया मतलब NH3 ली। ओके, हमें क्या है फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लेने पड़ेंगे, ये तो हमें संतुलित करने करते हैं जब समीकरण को, इसलिए हो जाता है। बाकी हमें फॉर्मेल्डिहाइड लिया अमोनिया लिया क्रिया कराई हमें ये प्राप्त हो गया। ओके, जिसे यूरोटिप्रिन कहते हैं, साथ ही जल निकल जाता। ओके, अब हमें संतुलित करने के लिए आपको 6 फॉर्मेल्डिहाइड लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद आपको यूरोटिप्रिन प्राप्त होगा। संरचना किस प्रकार से बनती है, आपको जो यूरोटिप्रिन है इसकी संरचना विशेष प्रकार की बनती है, जो इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसान है बिल्कुल। अमोनिया की जब क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो आपको क्या है आपका यूरोटिप्रिन मिल जाएगा। ये याद नहीं होता आप डायरेक्ट भी लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी आपको फिर समीकरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इस प्रकार से ये आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इसकी संरचना सूत्र किस प्रकार से यूरोटिप्रिन का बनना है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड के दो उपयोग लिखिए। एल्डिहाइड के दो उपयोग, तो पहला उपयोग क्या है हमारा विभिन्न यौगिक जैसे एसिटिक अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड एथिल एसीटेट आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है रंजकों और औषधियों के संश्लेषण में किया जाता है एल्डिहाइड का प्रयोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं युग्मन अभिक्रिया क्या है, ये भी आपकी अभिक्रिया है। ओके, समीकरण द्वारा आपको समझाना युग्मन अभिक्रिया देख लेते हैं। जब क्या है डाई एंजोनियम लवणों की क्रिया फिनॉल अथवा प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो हमें क्या है ये सूत्र के एंजो यौगिक बनते हैं। ओके, बनाते हैं, यह क्रिया क्या है युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया क्षारीय माध्यम मतलब कहता है क्षारीय माध्यम इतना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए 9 से 10 होना चाहिए मैं कराई जाती हूँ। ये आपका इस प्रकार से आपको फॉर्मूला दिया हुआ। ओके, क्या बताया जा रहा है जब आपको क्या है एंजोनियम लवण की क्रिया आपके आपको क्या फिनॉल से करानी है। ओके, फिनॉल बस याद रखिए, तो जब हम क्या है आपका एंजोन आपका डाई एंजोनियम लवण। ओके, यहाँ हमने क्या है बेंजीन डाई एंजोनियम लवण लवण लेना मतलब क्लोराइड ले लिया हमने। ओके, तो बेंजीन डाई आपका डाई एंजोनियम की क्लोराइड की क्रिया हम क्या है फिनॉल से कराते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। ओके, पी आपका हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन। ओके, जिसे हम इसी अभिक्रिया को हम क्या देते हैं युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो याद रखना है फिनॉल की क्रिया आपको क्या किससे करानी है डाई एंजोनियम लवण से। ओके, अब लवण में हमने क्या ले लिया क्लोराइड वाला लवण ले लिया। ओके, तो इस प्रकार से जब क्रिया कराएंगे तो आपका होने वाला याद कर लीजिएगा। अब क्रिया में ज्यादा समझाने का नहीं है, याद आपको करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस से है। ओके, आपने सुना केमिस्ट्री क्या बेवफा होती है मतलब याद आप करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो ये आपको क्या प्रैक्टिस बार बार लिख लिखकर याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई नहीं कर सकते। ओके, इसमें कोई तरीका नहीं है क्योंकि फिक्स है, जब इससे क्रिया हम इसकी कराते तो ये प्राप्त होगा तब हम इसे ये अभिक्रिया कहते हैं। फिक्स है, ऐसे नहीं आप बनाकर लिख सकते। तो आपका फिक्स रहता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जो चीज फिक्स रहती है तो उसमें आप क्या कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो आपको याद ही करना पड़ता। ओके, फिर देख लेते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी आपकी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है किसी एमाइड, मैं आपको अलग से अभिक्रिया की वीडियो ला दूंगा, बाकी यहाँ से आप देख लीजिए अपन क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, तो अपन देख लेते हैं किसी एमाइड को बेंजीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, इस जिसमें क्या है एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन कम होता है। यह अभिक्रिया क्या है एमाइड से ऐसा प्राथमिक एमीन बनने की उपयोगी है जिसे एमाइड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है, और इस प्रकार से अभिक्रिया दी हुई होगी। इसे आसान भाषा में अभी हम देख लेंगे आगे। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारे नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। अलग से मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ, तैयार कर रहा हूँ अभिक्रिया सिलेक्टेड सेल्स 2 से 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें क्या है कंप्लीट अभिक्रिया मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा। ओके, तो ये अपन देखते जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे नॉर्मलता को परिभाषित करना है, मैं आप बता ही चुका हूँ, आप आंगिक प्रश्न भी आपको करवा दिए मैंने, मूलता मूलता फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन सभी परिभाषा सूत्र याद कर लीजिएगा। ये आपका दिया है नॉर्मलता क्या है किसी बिलियन के 1 लीटर में
भोले बिले के ग्राम तुल्यांगी भारों, यहाँ ग्राम तुल्यांगी भारों की संख्या क्या है, बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या है, एन से प्रदर्शित करते हैं, बिलियन की नॉर्मलता का आपका सूत्र ये होता है, याद कर लीजिएगा। लगभग सबकी एक ही सी परिभाषा, बस थोड़ा यहाँ चेंज हो जाता है, वो आपको फोकस करना है कि यहाँ कौन सा शब्द रहता है। ओके, नेक्स्ट, अब समपराशी बिलियन किसे कहते हैं, तो ऐसे बिलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशी बिलियन कहलाते हैं। ओके, परासरण दबाव जिन ऐसे बिलियन जिनके परासरण दाब क्या समान हो, समपराशी बिलियन, नाम ये समपराशी। ओके, जिनका क्या है, परासरण दाब समान हो, समपराशी। इस प्रकार से समपराशी बिलियनों में बिलय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समपराशी बिलियन को एक दूसरे के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने में क्या है, परासरण क्रिया नहीं होती है। ओके, ये आपका दिया समपराशी बिलियन को इस प्रकार से दर्शाते हुए, ये आपका बस आपको क्या है, समपराशी बिलियन पूछे, एक लाइन बस याद रखिए, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ऐसे बिलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशी बिलियन कहलाते हुए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आणविक चालकता को क्या है, परिभाषित कीजिए। ओके, एवं इसका सूत्र लिखना है, आणविक चालकता क्या कहलाती है, किसी विद्युत अपघट का एक ग्राम अणुभार, ओके, भी आयतन भी में घन सेंटीमीटर बिलियन में घोलने पर क्या जितने आयन प्राप्त होते हैं उन सभी आयनन को आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। ओके, इसे हम क्या इसे आपका म्यू से आपको प्रदर्शित करते हैं और ये सूत्र इस प्रकार से होता है, तो याद कर लीजिएगा आणविक चालकता, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका। ओके, नेक्स्ट है हमारा तुल्यांगी चालकता, आणविक चालकता याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है हमारा तुल्यांगी चालकता को क्या परिभाषित करना है, सूत्र लगाना है, तो किसी बिलियन की तुल्यांगी चालकता उसकी विशेष चालकता तथा उस आयन का गुणनफल है जिसमें क्या है विद्युत अपघटन का एक एक ग्राम तुल्यांक मिले है। ओके, फॉर्मूला ये सूत्र याद रखिए तो इसे आप निकाल पाएंगे। ओके, तो ये आपका के या कप्पा मतलब विशेष चालकता, ओके, कप्पा के पढ़ते हैं मतलब कप्पा पढ़ते हैं, विशेष चालकता और किसका है ये आयतन भी मतलब आयतन है, आयतन का गुणांक होता है। ओके, तो ये जो आपकी तुल्यांक की चालकता होती है ये आपका विशेष चालकता, और आपके सूत्र से आप निकाल लीजिए परिभाषा कि आपकी जो तुल्यांक की चालकता होती है ये आपकी विशेष चालकता और आपकी क्या है आयतन का गुणनफल होती है जिसमें क्या है विद्युत अपघट का एक ग्राम हो तुल्यांक मिले हो जी आपके आयतन में। ओके, ये आपका हो जाता है तुल्यांक की चालकता। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को क्या है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है, मान पूर्णांक भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि देख लेते हैं, किसी अभिक्रिया मान लीजिए ये हो रही है अभिक्रिया, ओके, तो इसमें अभिक्रिया की दर कितना इतना है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो इसमें जो घात चढ़ी होती है जो ओके अभिकारक के जो घात चढ़े होते हैं उनके योग होता है आपका अभिक्रिया की कोटि, वही आपको इसमें बताया गया। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक इकाई पूछिए। सिंपल डायरेक्ट पूछिएगा, ये अच्छे से मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैं आपको वस्तुनिष्ठ करा रहा था कि आपको दोस्तों प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि साथ ही शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका दर स्थिरांक इकाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में भी आ जाता है साथ ही दो नंबर में डायरेक्ट पूछे जा सकता है। ओके, याद होगा तभी आप बता पाएंगे, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक होता है आपका सेकंड इनवर्स। ओके, ओके, द्वितीय कोटि का क्या होता है, तो द्वितीय कोटि का आपका ये दिया हुआ है, ओके, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ओके, इस प्रकार से। ओके, याद आपको रट लेना है, एकदम रट लेना है। ओके, और बस यही आपसे क्योंकि वस्तुनिष्ठ में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और फिर आपसे दो नंबर में आया तो डायरेक्ट आपको नाम बता देना कि ये होता है। ओके, आगे देख लेते हैं, आपका द्विक लवण गिने कहते हैं, उदाहरण से बताइए, द्विक लवण क्या होते हैं आपके, वे युगात्मक यौगिक जो क्या है ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। अभी मैंने आपको द्विक लवण और संकुल लवण में आपको अंतर जब बताया था, जब मैंने आपको ये समझाया था ये बात है, द्विक लवण क्या होते हैं, वे युगात्मक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में क्या है अवयव में टूट जाते हैं, इन यौगिक में अवयवी पदार्थों के मूल गुण क्या है समाप्त नहीं होते। याद करना कैसे सिंपल करेंगे ये बता देता हूँ, सीधा आपको बताना है द्विक लवण वे लवण होते हैं जो क्या है अगर ठोस अवस्था रहती है तो स्थायी होते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें जल में घोल देते हैं इनका विलयन बना देते हैं तो ये अपने क्या है अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। ओके, अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, बस ये आपको बता देना, साथ ही इन यौगिक के अवयवी पदार्थों के मूल गुण क्या है समाप्त नहीं होते, ये आपको बता दें, उदाहरण एक आप याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रेट समायोजता की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं, हाइड्रेट समायोजता क्या कहलाती है, जब 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 जल का अणु किसी संकुल में उपसह संयोजक मंडल के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहता है तब हमें क्या है हाइड्रेट समायोजता कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके ये क्या है दो आपको बताए गए। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, ये मैं आपको बताई जो इस बार से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपका कि आपको उपसह संयोजक के आईयूपीएसी नाम देने, ये उपसह संयोजक होंगे, इनकी आपको आईयूपीएसी नाम पूछे जा रहे हैं। इसका हम निकालेंगे तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड निकलेगा, इसका आपको निकालेंगे पोटेशियम हेक्सा क्लोरो आपका प्लेटिनेट निकलेगा। मैं इसको देख रहा हूं, मैं आपको जल्दी से कहा समझा दूंगा। ओके, इससे आपको समझ कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी यूट्यूब पर आप जरूर सर्च कर लीजिएगा कि आपको उपसह संयोजक के आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं। ओके, समझ ले देखिएगा, ओके, अपने से प्रयास करिएगा समझने का, क्योंकि ये पक्का आना आपका पक्का रहता है, दो नंबर यहाँ से पक्का कर पाएंगे, समझ लीजिए अच्छे से इस टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो आपको उपयोग बताने हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपके दो उपयोग क्या है, पहला है सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, दूसरा है
अम्ल और इसके कुछ लवण मूत्रीय पूर्तिरोध के रूप में आपका सोडियम बेंजुएट खांसी की दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण बताइए। तो मैं पिछले वीडियो में आपको एक और आएगा जिसमें आपका क्षारी वाला क्वेश्चन आया था। तो जब भी क्या है कोई चीज किसी से अधिक क्षारीय है मतलब उसमें क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में उपस्थित होंगे, तो और क्या है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन में अनुनाद प्रभाव दिखा रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो आपको बता देना सीधे सिंपल कि आपके इसमें क्या है एथिल एमीन में क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और क्या है ये अनुनाद प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए क्या है अमोनिया से अधिक क्षारीय। ये मेरी सिंपल मान समझोगे जिसमें ये आपको फैक्ट याद रखिए। तो आप क्या है कोई भी किससे अधिक पूछे कि भाई ये पदार्थ इससे अधिक क्षारीय है क्यों है, तो आप ये लिख देंगे नंबर आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको जल में बताया था कोई पदार्थ जल में घुल जाता है, जल में अगर घुल रहा है मतलब वो पक्का क्या है वो क्या है जल के अणुओं के साथ क्या हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा तभी वो जल पे घुल पा रहा है इस प्रकार से। ओके तो भाई लिखा हुआ है एथिल एमीन में एथिल मूलक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रेरणा का +1 प्रभाव डालता है जिसके कारण एन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है और वह क्या है प्रोटॉन के साथ सरलता से सहयोग कर लेता है, इसी कारण से क्या है एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। और यह आपको दर्शाया भी गया है कि आपका अमोनिया का बताया गया, ये एथिल आपका एमीन का भी बताया गया। ओके किसमें क्या है अनुवादी प्रभाव दिखा रहा है। ओके देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं अभी तक दोस्तों हमने कहा अपने केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको ऑल चैप्टर वस्तु निष्ठ मिल जाएंगे। मतलब क्या आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि अभिक्रिया भी आपकी रहने वाली है। तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039354479 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको क्या है केमिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा होगा जिससे आप क्या है कम समय में आप क्या है कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे, पीडीएफ के रूप में आपको कंप्लीट दिया जाने वाला होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि, देख लेते हैं। संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती है क्योंकि इन धातुओं में क्या है रिक्त डी कच्चक की उपलब्धता और क्या है परिवर्ती संयोजकता व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये क्या है अस्थायी माध्यमिक यौगिक या संकलन बनाने की क्या है प्रवृत्ति होती होगी। ओके अगर ये क्वेश्चन क्या है आपसे एक वाक्य नहीं पूछे जा सकते, एक वाक्य नहीं पूछे कैसे बताना मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है कि जो आपके संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते क्यों होते हैं क्योंकि जो ये संक्रमण तत्व वाले धातु हैं इनके जो डी कच्चक होता है वो क्या है रिक्त होता है। ओके रिक्त होता है मतलब उपलब्ध होता है। ओके तो ये कहते हैं कोई जब किसी भी दो लोगों को क्रिया करनी है तो ये कह देते भैया मेरे पास जगह है। ओके मतलब कि दो लोगों को शादी करनी है। ओके तो अब जगह उनके पास होती नहीं तो क्या है मैरिज गार्डन करते हैं। इसी बार से ये क्या है जगह उपलब्ध करा दे भैया अभिक्रिया करनी है तुम दोनों को लेकिन जगह नहीं है मेरे पास आ जाओ मेरे पास जगह होगी। तो वही है तो ये क्या है अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं घटा देते उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं उत्प्रेरक वो कहलाते हैं जो अभिक्रिया में भाग ना लें लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। तो इसी प्रकार से क्या है आपके संक्रमण तत्व करते हैं इनके पास जगह होती है तो ये क्या है जिसे भी अभिक्रिया करनी है इनके पास आ जाओगे और क्या है अपने अभिक्रिया करके पास वापस चला जाओगे इसलिए उत्प्रेरक अच्छे होते हैं। मैं नहीं जानकारी डी कच्चक क्या है उपलब्ध होते हैं मतलब खाली स्थान होता है उनके पास जगह होती है इसीलिए खाली स्थान डी कच्चक उपलब्ध है तो इसलिए परिवर्ती संयोजक भी दर्शाते हैं ऑक्सीकरण परिवर्ती ऑक्सीकरण भी अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं यही कारण वही बताया गया है। अतः यह क्या निम्न संक्रिय ऊर्जा के विकल्प प्रदान करते हैं। ओके इसके अतिरिक्त ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करते हैं। मैंने बताया कि किसी को भी अभिक्रिया करना तो ये क्या जगह प्रदान करते हैं पृष्ठ प्रदान करते थे जैसे अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर क्या अधिशोषित होकर क्रिया पूर्ण कर लेता है मतलब इनके पास आ जाता है और बढ़िया क्रिया पूर्ण करके अपना चला जाता है। आई होप आप समझ सकोगे। अगर नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा केवल इतना आपको लिखना है कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनके जो है इन धातुओं के क्या है रिक्त डी कच्चक उपलब्ध होते हैं इनके पास क्या है एक लाइन में है इनके पास क्या है रिक्त डी कच्चक उपलब्ध होते हैं सारी परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इतना लाइन लिख दीजिएगा नंबर आपको मिल जाएंगे बाकी आपके केमिस्ट्री भाषा में पर आपका डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका CU पॉजिटिव रंगहीन है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17वां CU पॉजिटिव है जो हमारा। ओके ये आपका रंगहीन है देखिए परंतु जब CU जो आपका 2 पॉजिटिव है आपका मतलब आपका कॉपर हो गए तो जो CU 2 पॉजिटिव है आपका रंगीन होता क्यों होता। ओके पहले इसकी भाषा पढ़ लेते फिर मैं आपको समझा देता हूँ। CU जो पॉजिटिव है मतलब कॉपर का जो आपका एक पॉजिटिव है का उसको से पूर्ण भरा होता है पूर्ण भरा होता है इस प्रकार ये क्या है DD संक्रमण नहीं होता है और वह क्या है सफेद और क्या है रंगहीन होता है। ओके मतलब कोई रंग नहीं होता किसमें CU आपके एक पॉजिटिव होंगे क्योंकि CU डबल पॉजिटिव में जो होता है इसमें अयुग्मित D3D इलेक्ट्रॉन होने के कारण एवं DD संक्रमण असंभव होने के कारण ये रंगीन होते हैं। ओके सिग्नल मैं आपको बता देता हूँ अब इसमें नहीं आपको समझा रहा था यहाँ देखिए। ओके ये मैं लिख के रखा हूँ जैसे आपका ये CU आपका है कॉपर है इसके आपको लिखेंगे। ओके इसके आप पूरा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ओके 4s1 आएगा लास्ट में हमारे देखते हैं लास्ट में तो 4s1 आएगा 3d10 आएगा ये आपका कंप्लीट भरा हुआ। ओके तो इससे भी तो काम नहीं है हमें बात करना है CU फर्स्ट पॉजिटिव CU आपका डबल पॉजिटिव से तो CU जो आपका एक पॉजिटिव है इसमें इसका आपको विन्यास करेंगे तो कैसे आएगा 4s0 और क्या है 3d10 यहाँ लास्ट वाले देखिए 3d10। ओके
कोई भी यहाँ डी वाले कब पूर्ण होता है, जब इसमें आधे हो या पूरे भरे हो, आधे हो या पूरे भरे हो। हमने 11वीं पूरा आपने पढ़ा होगा, ये पूरे आपने जब नियम पूरा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाता है। डी कब माना जाता है, स्थाई कब माना जाता है, जब आधा भरा हो यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो डी के पास, ओके, या फिर आपके 10 होंगे, या 10 है तो मतलब ये पूरे भरे। देखिए ये बनाया मैंने, भर के दिखा दी, सब भरे हुए, दो दो भर सकते, दो दो भर दिए, पूरा भरा हुआ है। इसके पास क्या, पूरे भरे हुए हैं, मतलब ये क्या, किसी से क्रिया नहीं करता। भैया मैं क्यों क्रिया करूं, मेरे भाई पेट भरा हुआ है तो मैं क्यों खाना खाऊं भैया, जिसके पेट पेट पहले से भरा हुआ है, इसे किसी से मतलब नहीं होगा। आपको पता है जिनका पेट भरा रहता है उसे किसी से मतलब नहीं होता है, तो वही बताया जाए, इसे किसी से मतलब नहीं है, ये पहले से स्थाई है अपना, बढ़िया इसका चकाचक काम चल रहा है, इसे इसलिए किसी से मतलब नहीं होगा। समस्या कब आती है, जब लोगों को ध्यान आती है, तो इसका पूरा काम आराम से चल रहा है, पूरा अपना ओके भरा हुआ है, स्थाई है, इसे मतलब नहीं है। इसलिए क्या है, रंगहीन है तो रंगहीन बना बढ़िया रहता है अपना, सफेद रहता है सफेद रहता है, वही बताया। इसलिए क्या है, सी यू जो आपका फर्स्ट पोस्ट है आपका रंगीन होता है, वही बताया गया कि जो सी यू फर्स्ट पोस्ट है उपकोष क्या है, पूर्ण भरा होता है, तो हमने बताया पूर्ण भरा हुआ, ओके, जब इसका आप विन्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ जब सी यू डबल पोस्ट वाली की बात करोगे तो ये डबल पॉजिटिव हो जाता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम चले जाते, ओके, तब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, मतलब दो चले गए तो दो चले गए, तो एक तो पहले से चला जाता है, एक तो इसमें और चला गया, तो अब इसका विन्यास करेंगे आप, तो अगर 4s0 और 3d9, ओके, अब यहाँ देखिए 9 है, अब 9 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितने पड़ते हैं पूर्ण होने के लिए, 5 हो या फिर 10 हो, जिसके पास 10 थे तो ये पूर्ण था, जबकि अब इसका एक खाली है, यहाँ देखिए ये भर गया, एक खाली रह जाता, ओके, अब एक खाली है तो ये फिर जब खाली रहता है तो फिर ये किसी से भी क्रिया कर लेता, ओके, अब किसी से भी क्रिया हो जाए तो रंगीन बन जाता, एक बार से वही बताया गया, तो आपको लिख देना है जो सी यू फर्स्ट पॉजिटिव रहता है ये क्या है, रंगीन है, क्यों रंगीन है, क्योंकि इसका क्या है उपकोष है वो पूर्ण भरा हुआ है, और इसमें खास बात क्या है कि डीडी संक्रमण नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसे डी गच्छा पूरा भरा हुआ है, इसलिए क्या है क्रिया नहीं करता, इसलिए डीडी संक्रमण नहीं होता है। जबकि जो आपका सी यू डबल पॉजिटिव है इसमें आयुग्मित है, आयुग्मित मतलब खाली इसका जगह, ओके, 3d इलेक्ट्रॉन में क्या है होने ना इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है डीडी संक्रमण इसमें संभव होता है, क्योंकि इसमें जगह होती है, मैंने आपको दिखाया, ओके पास, ओके, ये अपूर्ण होते हैं, इस यही कारण है कि सी यू, यही कारण है कि जो आपका सी यू पॉजिटिव है रंगहीन होता है, जबकि क्या है परंतु, ओके, जबकि जो सी यू टू पॉजिटिव आपका रंगीन होता है, ओके। आगे देख ले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, ओके, तो ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते क्यों दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व क्या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि n-1d कक्षक तथा ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे ये क्या है ये कक्षक के इलेक्ट्रॉन यहाँ डी कक्षक है, यहाँ डी हो जाएगा, इसलिए जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, ओके, इन तत्वों में क्या है मैग्नीशियम अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, ओके, इसे समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से होता है, आपको पता कोई परमाणु इस प्रकार से की होती है रेखाएं, ओके, आपको समझने का प्रयास करिए, तो एक बाहरी कक्षा होती है फिर इसकी आंतरिक कक्षा होती है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो जब भी हम इसे गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, तो पहले ऐसा नहीं कि सीधे डायरेक्ट अंदर से निकले, पहले बाहर से निकलेंगे, पहले लास्ट वाली कक्षक से, ओके, मान ली 3 कक्षक है तो तीसरी वाली कक्षक से फिर दूसरी वाली फिर इस प्रकार से निकलते, तो जो इसकी तीसरी वाली कक्षा जो अंतिम कक्षा है और जिसकी जो बीच उसके बाद वाली कक्षा है, इन दोनों में ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, ओके, गर्म करते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलना है, तापायनिक उत्सर्जन मान लीजिए कर रहे, ओके, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा, ओके, तो ये निकलेगा इतने ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ, हल्का सा गर्म हुआ और ज्यादा हुआ, ये तुरंत निकलने लगता, तो ये पता ही नहीं चल पाता कब ये निकल रहा, ओके, तो कभी कभी ये निकल जाता, कभी कभी दोनों निकल जाते, ओके, दोनों निकलने के लिए हो जाते, तो ये भी क्या है संयोजी काम कौन करता है, संयोजी ये आपका दिखा हुआ, ये कौन क्या है बहुत अंतर नहीं होता, जैसे डी कक्षक में क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते, ओके, ये कक्षक संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं, ओके, इनका काम है, लेकिन ये भी कभी कभी करने लगते हैं, यही कारण है कि ये क्या है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर देते, ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, जैसे संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती, ओके, तो संगमर धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से क्या मिश्रणी हो जाती, पिघल जाती है तो एक दूसरे मिल जाती, ओके, तथा विभिन्न संगमर धातु के मिश्रण को ठंडा करने पर क्या मिश्र धातु बनती है, ओके, संक्रमण धातु का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जाल एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है, इस प्रकार के हम मिश्र धातु बनती है, ओके, जब हम संक्रमण दो संक्रमण धातु है गर्म करते हैं तो पिघलाते हैं तो ये आपस में मिल जाती है, रीजन क्या है कि दोनों के आकार समान है, दोनों की जो संरचना है वो भी समान है, तो दोनों क्या फिट हो जाते हैं, दोनों की जब संरचना समान है तो ये दोनों फिट हो जाते हैं, इसलिए क्या है मिश्र धातु बना ली, सिंपल बात ये बताई, ओके, अभी एग्जाम्पल के लिए ये समझाया गया है, जैसे CR और आपके NiMeL निकल है दोनों क्या है बिले कर दें तो ये दोनों क्या है मिश्र धातु बना लेती, ओके, ये आपका बताया गया, ओके, साथ ही मिश्र धातु अपनी जनक धातु की तुलना में क्या अधिक कठोर उच्च गलनांक वाली और अधिक सांचारण प्रतिरोध होती है, मतलब और अच्छी धातु बन जाती है, जब अलग अलग होती है तो इतनी अच्छी धातु नहीं होती, जब दोनों अच्छी जाती धातु है तो और अच्छी बन जाती है, मतलब उच्च गलनांक वाली बन जाती है, अधिक कठोर बन जाती है और संक्षारण रोधी भी बन जाती है, ओके, ये बताया गया, तो मैं नीजन कहा कि संक्रमण धातु क्या है मिश्र धातु क्यों बना लेती है, क्योंकि आपको मैं नीजन आपको बताना है कि ये पिघली हुई अवस्था में क्या है दोनों जब दो संक्रमण धातु मिलकर क्या है मिश्र धातु बना लेती, क्यों बना लेती है क्योंकि इनका आकार समान होता है, साथ ही इनका क्या है मैन क्रिस्टक जालक क्या है लगभग समान होते हैं दोनों धातुओं के, ओके, ये आपको बता देना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा इस वीडियो में क्या 19 इंपॉर्टेंट दो अंकी महत्वपूर्ण से देखे हैं, आगे हम 3 अंकी फिर 4 अंकी इस प्रकार से प्रश्न कवर करेंगे, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट आता कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा, टाइम चलो जानिएगा टाइम चलो जॉइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।